श्रावक के 12 व्रत। श्रावक साधु साध्वी के व्रत होते हैं 5, और फिर उसके अलावा और बहुत सारे व्रत होते हैं साथ साथ। ऐसे ही साधु साध्वी के व्रतों को आचार्यों ने, महापुरुषों ने 12 हिस्सों में बांटा है, जिससे हमारे अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होता और शुभ कर्म का और शुद्ध कर्मों का बंधन होता है। मतलब शुभ कर्मों का बंधन होता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। तो ऐसे 12 व्रत होते हैं, इनको अगर हम लेंगे तो आत्मकल्याण होता है उससे। तो पहला व्रत है स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत। इसमें क्या होता है, श्रावक जी निरअपराधी त्रस जीवों को संकल्प पूर्वक मारे नहीं, मरवावे नहीं, मन से, वचन से और काया से। दूसरा व्रत होता है स्थूल मृषापाद वीरमण व्रत। उसमें श्रावक जी स्थूल झूठा झूठ बोले नहीं, बुलवावे नहीं, मन से, वचन से और काया से। और तीसरा व्रत होता है स्थूल अदातादन वीरमण व्रत। इसमें श्रावक जी स्थूल चोरी करे नहीं, करावे नहीं, मन से, वचन से और काया से। चौथा व्रत होता है स्थूल मैथुन वीरमण व्रत। श्रावक जी पर स्त्री का सेवन करे नहीं, कराए नहीं अपनी स्त्री की। और पांचवा व्रत होता है स्थूल परिग्रह वीरमण व्रत। श्रावक जी 9 प्रकार के परिग्रह की मर्यादा करें। छठा दिशा व्रत होता है जिसमें श्रावक जी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊंची और नीची, इन 6 दिशाओं में गमन करने की मर्यादा करें। सातवां व्रत होता है उपभोग परिभोग परिमाण में श्रावक जी 26 बोलों की मर्यादा करें और 15 कर्मादानों का त्याग करें। आठवां होता है अनर्थ दंड वीरमण व्रत। उसमें 4 प्रकार के अनर्थ दंड का त्याग करें। नौवां व्रत होता है सामायिक में श्रावक जी प्रतिदिन शुद्ध सामायिक करें, कम से कम 1 नियम रखें, 2 और 3 भी कर सकते हैं। दसवां व्रत काशिक देशावकाशिक में श्रावक जी सवर करें, 14 नियम धारण करें, 3 मनोरथ का चिंतन करें। और ग्यारहवां व्रत है पोषद। पोषद में श्रावक जी प्रति पूर्ण पोषद करें, जैसे साधु साध्वी ठहरते हैं 1 दिन आहार पानी के बिना, वैसे रहना है साधुओं की तरह का जीवन। देश पोषद में दया भी को भी इसी व्रत में सम्मिलित किया गया। और 12वां व्रत अतिथि संविवाग। श्रावक जी श्रवण निर्ग्रंथों को प्रतिदिन 14 प्रकार की वस्तु में से जो निर्दोष हो उसे देने की भावना रखें और भोजन के समय विशेष भावना भावें। व्रत किसे कहते हैं, हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से मन, वचन और काया को निवृत्त करना व्रत कहलाता है। व्रत करने के बहुत फायदे हैं। ये मेरा फेवरेट विषय है। इसको, इस व्रतों को लेने से आत्मा में स्थित होती है और बाहर की दुनिया से निवृत्त होती है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं अगर हम 12 व्रत लेते हैं। तो 12 व्रत आत्मकल्याण के लिए बहुत उपयोगी हैं और ये हमारी समकित को और पुष्ट करते हैं और हमारा जीवन को कल्याण करते हैं। मेरी इच्छा थी पहले कि मैं कम से कम 50 लोगों को तो 12 व्रत दिलवा ही दूंगी, जब मेरी इच्छा थी, जब मैंने 20 साल पहले ये व्रत लिए थे। लेकिन हकीकत में ये मेरी अब इच्छा ऐसी हो गई कि अब तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकते हैं मेरे से लें ये व्रत। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अब जो मैं सोच रही हूँ आसान है मेरे लिए दिलाना, क्योंकि अब मैं YouTube पे अपने वीडियोस बना के डालूंगी, जिससे लोग अगर ये देखेंगे तो वो इन व्रतों की तरफ लेंगे। और इसके लिए आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास जो भी साधु साध्वी हैं उनसे आप ये 12 व्रत ले सकते हैं। तो हमारे जैन में ये पॉपुलर है कि इसका मतलब ये है कि आप एक ऊपर के लेवल पे पहुंच गए अपने जीवन में, आपका जीवन का स्तर हो गया, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ दी जो आप ना तो करते हो और ना करना हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ऐसा कोई व्रत लिया जा सकता है, तो आप लेते ही नहीं हो जाएगी, तो आपके बहुत सारे अशुभ कर्मों की बंधन होने से बच जाएगा। ये व्रत ज़रूर लें, कोशिश करें, साधु संतों के पास जाएं और ये धारण करें 12 व्रत।